बातें बहुत अच्छी होती है, बातें बहुत अच्छी होती है। मलयालम मूवी करेक्टर्स, अरे शेरो शायरी नहीं कर रहा, मैं तारीफ कर रहा हूँ खुद की। बातें बहुत अच्छी करता हूँ मैं, स्पेशली जब बिना सरपेर की बात करनी हो ना। पर आज के टॉपिक से इसका कुछ लेना देना नहीं है। बात करेंगे मलयालम मूवीज के ऐसे करेक्टर्स के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छी बातें करी, ऐसी बातें करी कि वो इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गए 2024 के अंदर। देखो ये बात तो सब मानेंगे कि पूरी तरीके से 2024 मलयालम सिनेमा के नाम रहा है। लेटरबॉक्स्ड, आईएमडीबी सब लिस्ट उठा के देख लो, ओनली इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया भर से जो टॉप रेटेड मूवीज है उनमें ज्यादा नंबर मलयालम मूवीज का आ रहा है इस साल। तो ऐसे ही कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने दिमाग में घर बनाया और पॉपुलैरिटी बटोरी और क्यों पॉपुलर हुए। ओके तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन नितिन मोली। निविन पोली ने कैरेक्टर प्ले किया, मूवी थी वर्सांगलकु सेसम। ओवरऑल मूवी की बात करूं तो ठीक ही थी, इतना ज्यादा मजा नहीं आया मेरे को इसको देखते हुए। पर अब जब मैं इस मूवी के बारे में सोचता हूं तो जो जो चीज मेरे को इंटरेस्टिंग लगी वो सारी नितिन मोली से थी। एक सुपरस्टार जो आउटसाइडर है, काफी टाइम से मूवीज फ्लॉप दे रहा है, मोटावा बढ़ रहा है, जनता ट्रोल कर रही है। सीधी सीधी बात करूं तो निवीन ने खुद का ही रोल प्ले किया था। और जब मलयालम सिनेमा में आउटसाइडर्स की बात होती है तो जहां तक मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा नाम है, सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ उनका वो मोनोलॉग जब वो पूरी तरीके से एंगर मोड में पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। नितिन मोली की एंट्री से लेकर एंड सीन तक जहां जहां नितिन मोली को दिखाया गया है मजा आता है तुमको स्क्रीन पे। ये मूवी फिल्म हिस्ट्री के बारे में थी, स्पेशली जो साउथ ऑडियंस है उनके लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल थी, उनके लिए बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया से भी भरी हुई थी। पर इस पूरी मूवी के अंदर जो फन ऐड करते हैं वो निविन पोली ऐड करते हैं, इस वजह से नितिन मोली का कैरेक्टर लोगों को भी काफी पसंद आया। थॉमस प्रेमलु के अंदर मैथ्यू थॉमस का रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, केमियो ही था वो, पर जितना भी था काफी छाप छोड़ के जाता है। अमल डेविस का कजन जो काफी ज्यादा फड़ाकू है, जो नॉर्मली सभी के कजन होते हैं स्पेशली भुआ साइड से, ऐसा कैरेक्टर जो बिल्कुल ही अनजान था प्रेमलु की दुनिया से, बहाना देकर उसको क्लब लेके गए, क्लब जाके तो उसका तो दिमाग ही खराब हो गया कि ये कौन सी दुनिया आ गई, भाई की कार भी बहुत सेक्सी। जहाँ रिलेटेबल का फैक्टर आ जाता है वो कैरेक्टर जनता के साथ ज्यादा देर तक रह पाता है। अगला जो बात करने जा रहा हूँ वो एक कैरेक्टर नहीं है, पूरा का पूरा ग्रुप है। ग्रुप से याद आ गया होगा तुमको, मंजुमल बॉयज। ये 10 के 10 फ्रेंड्स का ग्रुप इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि उसी का नतीजा था कि मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी बन गई मंजुमल बॉयज। रियल लाइफ पर बेस्ड होने से मूवी की स्टोरी और भी ज्यादा कनेक्टेड फील होती है। सर्वाइवल मूवी है बट असल में मूवी इन 10 लोगों के कनेक्शन, उनके आपस में जो इमोशंस है उसकी वजह से ज्यादा यूनिवर्सल हो गई। 10 के 10 कैरेक्टर एक दूसरे को पूरा करते हैं। मूवी में कई सीन आते हैं जब आपको फील होता है यार ऐसा तो अपने ग्रुप में भी होता है। दैट्स द रीजन ये मूवी बन गई इतनी ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि मूवी का जो इमोशनल एंगल है वो बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाता है और मूवी की जो मेन सोल है वो है फ्रेंडशिप। अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है नजीब पृथ्वीराज, जो आजकल हर दूसरी बड़ी मूवी के अंदर दिख जाते हैं आपको। सालार ले लो, चाहिए BMCM ले लो। बोला जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि SS राजामौली की नेक्स्ट मूवी महेश बाबू वाली, उसमें पृथ्वीराज की एज ए विलन एंट्री हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ मे बी। द गोट लाइफ अगेन एक सर्वाइवल मूवी है, पर मूवी की मेन सोल है होप, जीने की इच्छा, अपनों से मिलने की चाह, इंसानियत की वैल्यू। इस कैरेक्टर के पॉपुलर होने के पीछे पूरा हाथ डायरेक्टर और पृथ्वीराज का जाता है। पृथ्वीराज ने इतनी बेहतरीन तरीके से इस रोल को प्ले किया कि जब वो कुछ नहीं बोलते हैं और उनके हाथ पैर, उनकी चाल, उनकी आंखें आपको नजीब के माइंडसेट में ले जाती है, नजीब की जर्नी में आपको अपने साथ उतार लेती है। अमल डेविस प्रेमलू, संगीत प्रताप ने रोल प्ले किया है, एक ऐसा दोस्त जो ऑलमोस्ट सभी ग्रुप में होता है, फुल टू जुगाड़ू, जहां जाए वहां आग फैलाए। सचिन और अमल डेविस दोनों जो है वो प्रेमलू की मेन सेलिंग पॉइंट थे, उनका जो ब्रोमेंस था वो जनता को बहुत ज्यादा पसंद आया। रात को अमल डेविस का अपनी महिला मित्र से बात करना, अमल डेविस के आने से ही सचिन हैदराबाद आया था। अंबन, देखो आवेशम का एक एक कैरेक्टर वाव है, चाहे वो मम्मी जी हो या बूढ़ा ड्राइवर हो जिसको मार्शल आर्ट आता है, इन सब के बीच अंबन को एक स्पेशल चार मिलता है जो उसको बाकी लोगों से अलग करता है। अंबन को एज ए सर्किट आप इमेजिन कर सकते हो, फनी है, अपने बॉस के लिए ईमानदार है इतना कि उनके लिए जान दे सकता है, गुड फाइटर है। सचिन गोपू ने रोल प्ले किया, इस रोल के लिए उन्होंने काफी सारी मूवीज को ना बोला था। नाउ हम बात करेंगे इस साल के सबसे पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर मलयालम मूवी कैरेक्टर के बारे में जिसने 2024 में पूरे इंडिया के अंदर आग लगाई है, और बाबू काफी लंबे टाइम तक इस कैरेक्टर को तो नहीं बुलाया जा रहा। रंगा फहद फासिल ने जो जान डाल दी है ना इस कैरेक्टर के अंदर, और उसी का रीजन है कि ये कैरेक्टर एक अलग ही लीग का बन गया है। मुन्ना भाई वाले लेजेंडरी कैरेक्टर के साथ रखा जा रहा है इसको। रंगा जो एक डोन है, अपने साथ एक यूनिक स्टाइल लाता है, कुछ ईमानदार लोग अपने साथ रखता है जो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, जो उसकी लड़ाई की कहानियां भी सुनाते हैं। इन कहानियों में वो एक पत्थर दिल हत्यारा लगता है पर साथ ही बहुत फनी भी है। पर जब मूवी एंड होती है तो एवरीवन फील फॉर हिम जस्ट बिकॉज उसको जो इमोशनल डेप्थ दी गई है वो आपसे जुड़ जाती है। और ऊपर से इस रोल को प्ले भी तो किसने किया है, इसमें घोर जलवा एड कर दिया उन्होंने। सो ये कैरेक्टर्स थे जो काफी ज्यादा
पॉपुलर हुए 2024 के अंदर। तुम बताओ अपने नाम, अपना नाम खुद का मत लिख देना कमेंट सेक्शन में, उन कैरेक्टर्स का नाम लिखना जो तुमको पसंद आए। मलयालम की जरूरत नहीं है, किसी भी लैंग्वेज की लिख सकते हो आप। बाकी सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, 5,000 करने हैं खत्म। मतलब अभी तो 3 भी नहीं हुए, एक बार तो 3 करते हैं फिर 5 करेंगे, ऐसे ही। बाकी ये दोनों वीडियो चेकआउट कर लो, यूट्यूब ने खुद सजेस्ट किए हैं तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और पूरा चैनल चेकआउट करना हो तो कर लो, वैसे मैं तो नहीं चाहता कि आप जाके मेरा चैनल चेकआउट करो ना। अलविदा।